Audio Jungle. Now students, today I am going to start chapter 7 linear equations in one variable, class 7 CC test paper 7. अब इसमें student please आप लोगों से request कर, अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो students please subscribe कर लीजिए. अब देखिए इस question को solve कैसे करेंगे. इसमें इसकी value find करना है, x cube plus y cube plus z cube minus 3x y z. When x is equal to minus 2, y is equal to minus 1 and z is equal to 3. तो देखिए इस में हम इसकी इक्वेशन को लिख करके उसको सॉल्व कर देंगे. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखना है तो माइनस 2 का क्यूब प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 एक्स की वैल्यू माइनस 2 वाई की वैल्यू माइनस 1 ये हो गई वाई की वैल्यू माइनस 1 और जेड की वैल्यू आ गई 3. बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए और कुछ नहीं है. देखिए माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस 8 आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा. अब ये तीन माइनस है, देखिए एक ये माइनस है एक ये माइनस है, तो तीन माइनस है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, ये आ गया 18. ठीक है, अब माइनस माइनस के ऐड कर दीजिए तो माइनस के 27 और प्लस के 27. ठीक है, आंसर क्या आ गया 0. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 है स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से सॉल्व करना है. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए माइनस 5xy. तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि x जो है वो सेपरेट कर दीजिए, तो x में मल्टीप्लाई किसका है, माइनस 5y का. तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो माइनस 5y होगा. ठीक है, सो कोफिशियंट ऑफ, ठीक है, एक्स इज माइनस 5y, क्योंकि एक्स में जिससे मल्टीप्लाई है वो उसका कोफिशियंट है. सेकेंड वाले में क्या है स्टूडेंट, देखिए ये है 2xy²z. ठीक है, तो x को अलग कर दीजिए तो बचा क्या, 2y²z बचा इनटू x, ऐसे लिख दीजिए. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज, ठीक है, तो x के अलावा जो है वो उसका कोफिशिएंट है 2y²z. ये आंसर आ गया स्टूडेंट. थर्ड वाले में क्या है, माइनस 3/2 ए बी एक्स. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ये तो लिखा ही हुआ है ए बी इंटू एक्स, तो x में मल्टीप्लाई किसका है, सो इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x के अलावा जो बचा माइनस 3/2 ए बी, ये आ गया, ये आंसर हो गया. थर्ड वाले में क्या कह रहा है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट, इतना सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इतने में से, फ्रॉम इतने, तो फ्रॉम वाला पहले लिखा जाएगा, 4xy माइनस y² प्लस 6. इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट किसको, देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2xy प्लस 5y² माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था ये प्लस का हो गया, ये प्लस था ये माइनस का हो गया, ये माइनस था ये प्लस का हो गया. अब ये जो हमने साइन चेंज किए हैं इन्हीं को हम देखेंगे, तो देखिए 4 और 2 ऐड कर दीजिए, 6xy आ गया ये. ठीक है, माइनस के y² माइनस के 5y², तो माइनस के 6y² प्लस के 6 और प्लस के 4, तो प्लस के 10 आ गए. ठीक है, ये थर्ड वाले का आपका आंसर यही हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, एक हम लिखना भूल गए क्या इसमें,
एक मिनट, इसमें हमने 4xy माइनस 5x2, अच्छा एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमने लिखा नहीं है स्टूडेंट, चलिए अभी हम लास्ट में लिखे दे रहे हैं। ये हो गया माइनस की 5x2 और यहाँ पर था ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 6x2 और आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से, क्योंकि आंसर में क्रम फर्क हो सकता है, ये कोई स्टेप पहले लिखा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें 4 में क्या करना है स्टूडेंट्स, चला हाउ मच लेस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3y² देन इतनी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, वो इसकी अपेक्षा कितना कम है, हाउ मच लेस इज, ठीक है। देखिए हाउ मच लेस इज, तो इसका मतलब है कि इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जितना कम होगा, ठीक है, वो उतना आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच लेस इज इतने देन इतने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर ये हम कहें किसी क्वेश्चन में कि हाउ मच लेस इज 10 देन 15, ठीक है, हाउ मच लेस इज इतने देन 15, तो इसको हम क्या करेंगे, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी 10 जो है वो 15 से 5 कम है, ये मतलब है इसका। यानी अगर हम 15 माइनस 10 कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आपको समझा रहे हम, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, तो उसी तरीके से इसको करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2x² माइनस 3y² प्लस एक्स वाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा जाएगा, प्लस 3y². अब इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3y², माइनस 3y² कितना हो गया 6y² और ये हो गए 3xy। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे करना है, कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए पहले न्यूमरल न्यूमरल का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 का, ठीक है, और -25/12 और -8, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर ए देखिए, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ चलिए लिख दीजिए, देखिए ए है, फिर ए क्यूब है, फिर बस इतने हैं। फिर बी वाले टर्म कितने हैं, यहाँ पर बी है, यहाँ पर इनटू लगा दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पर b² है और यहाँ पर बी क्यूब है, ठीक है। अब सी वाले टर्म में क्या है, देखिए सी क्यूब है, फिर सी है, ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 4 आएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 5 5 25 आ गया, 4 से 8 को कैंसिल कर दीजिए 2 आ गया, ठीक है। अब जो आ गया उसको लिख लीजिए, तो देखिए कितना बचा, -5 × -2, ठीक है, इंटू ए की पावर, देखिए कितने हो गए, ए की पावर 1 और 3 तो ए की पावर 4, यहाँ बी की पावर 1, 3 2 5 6 तो बी की पावर 6 हो गया और सी की पावर 4 हो गया, तो ये आ गया 10, ठीक है, ए की पावर 4, बी की पावर 6 और सी की पावर 4। तो 5 वाले का आंसर ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। अब देखिए 6 को ये कह रहा सिंपलीफाई करो, तो सिंपलीफाई करने का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है।
देखिए 3a+4, फिर इसके बाद है 2a-3, ठीक है, प्लस 5a-4, और दूसरा है a+2, ठीक है। तो अब इनका इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3a का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो ये आएगा 6a2, फिर 3a का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -9a आ जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2a में कर दीजिए तो 8a आ गया, 4 का मल्टीप्लाई -3 में करोगे 12 आएगा। चलिए ब्रैकेट में लिख दे रहा है इसको। अब सेकंड वाले का कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5a2+10a-4a-8, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म को एक साथ लिख लीजिए, 6a2+5a2, ठीक है। अच्छा रुकिए, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले हम ये कर दें कि देखिए ये दोनों लाइक टर्म है तो इनको एड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6a2, ठीक है। अब -9a में से +8a चले गए तो 1a बचा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 5a2 और 10a में से 4a को निकाल दीजिए तो 6a बचा -8। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 6a2 और 5a2 इनको ऐड कर दीजिए तो कितने आ गए, 11a2। यहाँ माइनस के a हैं, ये माइनस के a हैं, ये प्लस के 6a हैं, तो प्लस के 5a आ गए, और माइनस के 12 और माइनस के 8 कर दीजिए तो -20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये आ गया।